लेंस सूत्र लेंस के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध बताने वाला सूत्र। अर्थात हम कोई लेंस लें, उसमें कुछ दूरी पर वस्तु रखें, कहीं कुछ दूरी पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो और उस लेंस की कोई अगर फोकस दूरी है, तो उन तीनों के बीच जो भी संबंध दर्शाने वाला सूत्र होगा उसे हम कहेंगे लेंस सूत्र। आइए हम लेंस सूत्र को समझने और ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ ये लेंस सूत्र के लिए हम एक उत्तल लेंस लेते हैं और इस उत्तल लेंस में ये वो इसका प्रकाश केंद्र है और उत्तल लेंस का नाम है L। तो ये O इसका प्रकाश केंद्र है और ये पूरा एक उत्तल लेंस है जिसका हमने नाम दिया है L। इस उत्तल लेंस में ये F1 इसका प्रथम मुख्य फोकस है और ये F इसका द्वितीय मुख्य फोकस है जिसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। लेंस में आप कहीं भी एक जगह फोकस से परे वस्तु रख दीजिए और फिर उस वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालकर आप फोकस से होकर गुजार दीजिएगा। देखिए, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजर गई। एक प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की दिशा से सीधी आपतित कीजिएगा तो वो सीधी निकल जाएगी, ये देखिए। और ये यहाँ इस जगह ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है जिसका नाम हमने दिया है RS। तो ये RS हमारा प्रतिबिंब है। अब हमारे पास सब चीज़ें हैं, स्पष्ट है। ये O से लेकर B तक की जो दूरी है ये बच्चों कौन सी दूरी है बताइए, नहीं बता पा रहे। AB वस्तु है ना, तो ये जब AB वस्तु है तो लेंस के प्रकाश केंद्र से लेकर B तक की जो दूरी है वस्तु की दूरी हुई ना, तो ये वस्तु की दूरी है जिसे हम U से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए OS कौन सी दूरी है। बिल्कुल सही, क्योंकि RS हमारा प्रतिबिंब है तो OS हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। और OF क्या है, OF है हमारी फोकस दूरी। बच्चों, हमें इन तीनों दूरियों के बीच में संबंध निकालना है। हमें संबंध निकालना है OB अर्थात वस्तु की दूरी U, OS अर्थात प्रतिबिंब की दूरी V और OF अर्थात फोकस दूरी F। इन तीनों में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें O के साथ में दो समरूप त्रिभुज, दो ऐसे त्रिभुज लेना है जो परस्पर समरूप हैं। तो समरूप हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ऐसे दो त्रिभुजों का एक युग्म लेना है, जोड़ा लेना है। तो आप देखिए ध्यान से, तो O के साथ में ये एक त्रिभुज बन रहा है ABO, ठीक है। और एक और त्रिभुज बन रहा है RSO, दिखाई दे रहा है O से दो त्रिभुज ABO। और दूसरा बोलिए बच्चों, करेक्ट, RSO। तो ये दो त्रिभुज जब समरूप हैं, देख लीजिएगा, ये O से चल रहा है, ये ABO पूरा बड़ा और ये RSO पूरा बड़ा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों में बच्चों हम जानते हैं कि संगत भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होती है। तो इस पहले वाले त्रिभुज जो ABO है इसमें हमारी लंब भुजा है AB और जो दूसरा त्रिभुज है हमारा RSO इसमें लंब भुजा है RS। तो ये लंब बटे लंब अर्थात AB बटे RS हो गया। ये देखिए त्रिभुज ABO और RSO समरूप है तो AB बटे RS ये लंब बटे लंब। अब इसका आधार देख लीजिए पहले वाले का OB, ये इसका आधार है और दूसरे वाले का आधार हमारा है OS। तो ये दूसरी जो संगत भुजा आनुपातिक हो रही वो हो रही है OB बटे OS। तो ये यहाँ हमने लिख दिया OB बटे OS। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी जिसमें हमने क्या किया, O से दो त्रिभुज समरूप हुए ABO और RSO, जिसमें हमने लंब भुजा के बटे लंब भुजा AB बटे RS और आधार भुजा के बटे आधार भुजा OB बटे OS कर लिया।
तो इस तरह से हमारी ये समीकरण नंबर एक बन गई। अब बच्चों ये ओ से हमने इसलिए किया ऐसा ताकि इसमें वस्तु की दूरी भी शामिल हो जाए और प्रतिबिंब की दूरी भी शामिल हो जाए। अब ये प्रतिबिंब की दूरी के साथ ही फोकस दूरी का भी एक रिलेशन बना लेते हैं ताकि फिर तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाए। तो यहाँ एफ के साथ दो समरूप त्रिभुज आप बताएंगे, बिल्कुल बताइए एफ के साथ दो समरूप त्रिभुज बनते हुए, बोलिए पहले ऊपर वाला बोल दीजिए। तो देखिएगा एफ के साथ डी ओ एफ हो रहा है समरूप त्रिभुज डी ओ एफ, और दूसरा बोलिए करेक्ट, दूसरा तो वही है आर एस उसमें शामिल होगा और हो जाएगा एफ। तो डी ओ एफ और आर एस एफ या एस आर एफ जो भी आप बोलना चाहें। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो फिर वही इनकी संगत भुजाएं अनुपाती के, इसकी संगत भुजा बताइए क्या है, करेक्ट ये वाली डी ओ, और इसकी संगत भुजा क्या है आर एस, तो डी ओ जाएगा डी ओ बटे आर एस, वही देख लीजिए त्रिभुज डी ओ एफ और एस आर एफ या आर एस एफ समरूप है, तो डी ओ बटे आर एस, ये डी ओ और ये बटे आर एस, ये लंब बटे लंब, अब आधार ले लीजिए इसका ओ एफ और बटे हो जाएगा ये एस एफ। देखिए इसका आधार है ओ एफ, इस त्रिभुज में देख लीजिए डी ओ एफ में इसका आधार कौन है ओ एफ, और आर एस एफ में आधार देख लीजिए कौन है एस एफ, तो ये हो जाएगा ओ एफ बटे एस एफ, ये ओ एफ बटे एस एफ, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर दो। तो क्या किया बच्चों हमने, हमने किया कि ये जो इधर भी एक समरूप त्रिभुज जो एफ से बन रहे थे जोड़ा उसको हमने ले लिया, तो डी ओ एफ और आर एस एफ लिया, तो इसमें लंब भुजा डी ओ, इसमें लंब भुजा आर एस, इसमें आधार भुजा ओ एफ, इसमें आधार भुजा एस एफ, तो ये हो जाएगा डी ओ बटे आर एस और ये हो जाएगा ओ एफ बटे एस एफ, ये हमने समीकरण नंबर दो बनाई है। अब हम दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये अपॉन में आर एस लिखा है, ऊपर ए बी लिखा है और यहाँ ए बी, यहाँ लिखा है डी यू, तो क्या ये ए बी और डी ओ आपस में बराबर हो सकते हैं, इसको जरा एक बार देख लीजिएगा। तो ये ए बी है और ये डी से लेकर ओ तक की दूरी है, तो ये बिल्कुल बराबर है क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है ये इसके समांतर ही है, तो ये दोनों समांतर रेखाओं पर ये लंबवत रेखाएं हैं जो इन्हें समांतर रेखाओं को मिला रही है, तो इसलिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो ए बी किसके बराबर है बच्चों, डी ओ के। तो जब यहाँ ए बी के प्लेस पर डी ओ या डी ओ के प्लेस पर ए बी लिख देंगे तो फिर समीकरण नंबर एक और दो को आप ध्यान से देखिए बेटा, इसमें दोनों ये जो एल एच एस है ये आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर ये ए बी बटे आर एस है तो ये भी ए बी बटे आर एस हो जाएगा, क्योंकि डी ओ किसके बराबर है ए बी के, तो ये भी ए बी बटे आर एस हो जाएगा, तो एल एच एस बराबर हो जाएगी एल एच एस, मतलब समीकरण नंबर एक और दो दोनों में ये बायां पक्ष एल एच एस समान हो जाएगा। तो फिर समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा बेटा, ये आर एच एस भी समान हो जाएगी, तो कौन कौन समान हो जाएगा, ओ बी बटे ओ एस बराबर ओ एफ बटे एस एफ, ये देख लीजिए ओ बी बटे ओ एस बराबर ओ एफ बटे एस एफ, ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर तीन। अब यहाँ हमें एक बात देखना है, इतना करने के बाद बच्चों और देख भी लीजिए आप चित्र में कि क्या क्या हो गया है, देखिए ओ बी हो गया है, तो ये ओ बी हमारी क्या है वस्तु की दूरी, ओ एस भी आ चुका है क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ओ एफ भी आ गया है क्या है फोकस दूरी, पर ये जो एस एफ है ये अभी हम फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको भी आप जो एस एफ है इसको भी आप ओ में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब ओ से शुरू होता हुआ कुछ कर लीजिए, मतलब ऐसा कीजिए कि दूरी ओ के साथ में एडजस्ट हो जाए। तो एस एफ को हम लिख सकते हैं, देखिए अब ध्यान से एस एफ को क्या लिख सकते हैं, एस एफ को हम लिख सकते हैं ओ एस माइनस ओ एफ, लिख सकते हैं ऐसा ताकि ये भी ओ में कन्वर्ट हो जाए, ओ एस माइनस ओ एफ, फिर से देख लीजिए एस एफ ओ एस माइनस ओ एफ हो गया। अब ये सारी दूरियां जब हमारी ओ में चली जाए, ओ में बदल गई, तो अब चिन्ह परिपाटी से हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इन सब के मान रखते हैं एक एक करके। चलिए ओ बी देखिए क्या है, ये ओ बी क्या है, ओ बी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं अपन, यू से, और चूंकि ये आपतित किरणों के विपरीत है अर्थात यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि लेंस के बाईं ओर है, तो बाईं ओर की दूरियाँ क्या हो गई माइनस, बोला ऐसा जाता है कि जब आप आपतित किरणों के खिलाफ जाते हैं तो वो दूरियाँ ऋणात्मक होती है, पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप लेंस के बाईं ओर जा रहे हैं तो वो ऋणात्मक, ये व्यवहार में माना गया, तो फिर ओ बी का मान हो जाएगा माइनस यू। ओ एस बोल दीजिए, ये ओ एस है क्या प्रतिबिंब की दूरी, और चूंकि ये लेंस के दाहिनी ओर है राइट हैंड साइड पर है तो इसलिए ये V होगा, और कौन सा V होगा, प्लस का V होगा,
तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई प्लस वी। और एक और है OF, ये फोकस दूरी है, तो ये फोकस दूरी भी देख लीजिए, आप दाईं ओर जा रहे हैं, RHS की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये भी प्लस का F होगा। तो इस तरह से तीनों दूरियां हमारे पास में हैं। OB के प्लेस पर हम माइनस यू लिखेंगे, OS के प्लेस पर V, OF के प्लेस पर F। तो ये जब हम चिन्ह परिपाटी से मान भरने का प्रयास करते हैं, देखिएगा इन दूरियों को आप एक बार और देख लीजिए, OB के प्लेस पर माइनस यू, OS के प्लेस पर बोलिए V, करेक्ट, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है, और OF के प्लेस पर F, फोकस दूरी, और चूंकि ये इस तरफ की दोनों दूरियां हैं तो ये धनात्मक होगी, जो इस तरफ है दोनों ये धनात्मक और इस तरफ की ये एक दूरी ऋणात्मक है। चलिए हम इन चिन्ह परिपाटी सही रहे हैं। अब देखिए हम इन मानों को रखने जा रहे हैं समीकरण चार में, ये हमारी समीकरण चार है और ये हमने तीनों मान निकाले हैं। अब इन मानों को हम इसमें रखते हैं, ओबी के प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस यू, देखिए ओबी के प्लेस पर हमने लिख दिया माइनस यू, फिर ओएस के प्लेस पर हम लिख देंगे वी, ये ओएस के प्लेस पर हमने लिख दिया वी, तो ये हो गया माइनस यू अपान वी, फिर ओएफ के प्लेस पर एफ, ये ओएफ के प्लेस पर एफ लिख दिया, फिर ओएस के प्लेस पर वी लिख दिया, ये ओएस के प्लेस पर वी, और ये पुनः OF के प्लेस पर हमने F लिख दिया। तो ये तीन मान जो हमारे हैं, तीनों मान हमने यहाँ लिख दिए। देखिए OB के प्लेस पर हमने लिखा माइनस यू, OS प्लस वी, OF फोकस दूरी, F फिर OS प्रतिबिंब की दूरी, V और ये OF फोकस दूरी F। केवल एक मान हमारा ऋणात्मक है, जो वस्तु की दूरी OB है, वो माइनस यू है। इसके अलावा हमने समीकरण में वैसे के वैसे मान धनात्मक रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस यू का वी में माइनस यू वी, और माइनस यू का माइनस एफ में बोलिए करेक्ट प्लस यू एफ, और इज इक्वल टू हो जाएगा वी का एफ में वी एफ। तो ये बच्चों आ गया माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब हम क्या करेंगे, हमको वन अपान में मान चाहिए सारे, तो यहाँ दो दो मान आए हुए हैं, तो हम एक काम करें, तीन 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 तीनों यू वी एफ का हम भाग दे देते हैं। दर्पण समीकरण में भी किया था हमने ऐसा, दर्पण सूत्र में, तो माइनस यू वी में यू वी एफ का भाग, तो देखिए यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान एफ, ये देखिए माइनस वन अपान एफ, फिर यू एफ में यू वी एफ का भाग लगाइए, तो यू एफ से यू एफ कटेगा, तो ये हो जाएगा वन अपान वी, देखिए वन अपान वी, और वी एफ में आप यू वी एफ का भाग लगाएंगे, तो वी एफ से वी एफ कटेगा, तो ये हो जाएगा वन अपान यू। तो इस तरह से ये आ रहा है माइनस वन अपान एफ प्लस वन अपान वी इज इक्वल टू वन अपान यू। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, वन अपान एफ को आप इस तरफ लिख लीजिए, क्योंकि फाइनल आंसर में एफ के साथ में कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, तो फिर ये माइनस का चिन्ह एफ के साथ है, इसलिए इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया वन अपान एफ, और वन अपान यू को इधर ले आइए, तो वन अपान वी माइनस वन अपान यू, तो वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ। आप इसको इस मान को इधर और इस मान को इधर भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा लेंस सूत्र, वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ, जो लेंस के लिए यू वी एफ में हमें संबंध दर्शाता है। तो बच्चों हमने लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध सीखा, और हमने सीखा कि अगर हम कोई उत्तल लेंस लेते हैं और उत्तल लेंस में अगर वस्तु को उसके फोकस से परे रख देते हैं, तो यहाँ आपका ये ए बी आपकी वस्तु हो जाएगी और आर एस उसका प्रतिबिंब हो जाएगा, और ये भी फोकस से परे ही बनेगा। और फिर हम दो समरूप, दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे, एक बार ओ से कीजिएगा, तो देखिए वो जोड़ा बनेगा आपका ए बी ओ और आर एस ओ, और एक बार आप एफ से दो समरूप त्रिभुज कीजिएगा, तो हो जाएगा डी ओ एफ और आर एस एफ, और फिर उसमें लंब भुजा के बटे लंब भुजा कर दीजिएगा और आधार भुजा के बटे आधार भुजा कर दीजिएगा दोनों बार। फिर उसमें RHS में जो AB और DO हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये आपके दोनों मान बराबर होंगे, तो RHS LHS में सॉरी तो LHS में जब ये AB और DO आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये आपका LHS में जब दोनों बराबर होंगे तो ये LHS आपकी इक्वल हो जाएगी, तो फिर ऐसे में RHS के मान भी बराबर हो जाएंगे, तो OB बटे OS बराबर हो जाएगा OF बटे SF। इसमें तीन में O है, इसमें नहीं है SF में, तो इसको भी आप O वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो हो जाएगा OS माइनस OF। फिर आप चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, मान रखेंगे,
तो जो ओ बी है वस्तु की दूरी है, और चूंकि ये लेफ्ट की तरफ मापी जा रही है इसलिए माइनस यू। ओ एस प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम वी से व्यक्त करते हैं, ये प्लस का वी होगा क्योंकि ये राइट साइड में माप रहे हैं हम। और ओ एफ फोकस दूरी है, ये भी प्लस की होगी एफ क्योंकि ये भी राइट में हम माप रहे हैं। ये सारे मानों को आप रख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू वी एफ का भाग दे दीजिएगा, और फिर एफ जिधर धनात्मक रहे उधर ले आइएगा, तो ये आपका लेंस सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा।